एंजाइटी की समस्या को करे दरकिनार। जिंदा रहने के लिए सांस लेना बेहद ही आवश्यक है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसे हमारा शरीर बिना सोचे समझे खुद ही करता है। जब आप सांस लेते हैं तो रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। सांस लेने का कार्य सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। अगर सही ब्रीदिंग तकनीक को फॉलो किया जाए तो इससे कई तरह की समस्याओं का इलाज आसानी से किया जा सकता है। अगर आप तनाव और एंग्जाइटी के कारण परेशान रहते हैं तो ऐसे में आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे छोड़े सांस। अगर आप अपने शरीर से तनाव को बाहर करना चाहते हैं तो ऐसे में आप पहले सांस को बाहर छोड़ें। जितना हो सके सांस छोड़ने की कोशिश करें। इस दौरान धीरे धीरे सांस छोड़ें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इसे 5-10 मिनट के लिए दोहराएं। आप पाएंगे कि आप खुद को अधिक रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। बाहर निकालने के लिए अपने पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ने का प्रयास करें। फेफड़ों की भी मदद लें। इस तकनीक में आपको मुख्य रूप से अपने लंग्स का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले लेट जाएं और अपनी नाक से 5-6 सेकंड तक सांस लें। अपने फेफड़ों को पूरी हवा से न भरें। अब अगले 5-6 सेकंड के लिए सांस, फिर धीरे धीरे और धीरे से हवा छोड़ें और अगले 10 मिनट तक इस अभ्यास को जारी रखें। डीप ब्रीदिंग का करें अभ्यास। यह भी खुद को रिलैक्स करने का एक आसान तरीका है। इसके लिए आप किसी शांत जगह बैठ जाएं और आंखें बंद करें। अब आप गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। इस दौरान आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। कुछ देर तक लगातार यह अभ्यास करें। आपको काफी रिलैक्स महसूस होगा। पेट से सांस लेने का अभ्यास। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के दौरान आपको पेट से सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप सीधे लेटे और एक हाथ अपने पेट पर रखें, दूसरा हाथ अपनी छाती पर रखें। फिर अपनी नाक से गहरी सांस लें और आप महसूस करेंगे कि आपका पेट ऊपर उठा हुआ है। अपने मुंह से सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय